क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो? आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? आपका भी एक सपना है बचपन से इंग्लिश बोलने का? यहाँ मेरा मकसद ये नहीं है कहने का कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, ठीक है, तो आप किसी जॉब पर्पस के लिए बोलना चाहते हो या किसी चीज़ के लिए भी, आपका कोई भी पर्पस हो सकता है। और कुछ केसेस में जैसे हाउसवाइफ्स हैं मेरी जैसी, हम लोग चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश बोलें, क्योंकि हमें पता है कि हम घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिए हमारी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे तो हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। बट अब बात आती है कि हमें इंग्लिश सीखना है तो हम कैसे सीख सकते हैं, घर पर रह के कैसे सीख सकते हैं, बिना किसी की हेल्प लिए कैसे सीख सकते हैं, और हम वो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आज की वीडियो पूरी होने वाली है हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हर बिगिनर जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी शुरू करना चाहता है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप भी वो प्रॉब्लम फेस करो। तो अगर आप भी चाहती हो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लाइक करते हो या नहीं करते हो, आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो नहीं देखते हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आपको सच में कुछ चाहिए, कुछ जेन्युइन चीज़ें चाहिए, कुछ जेन्युइन वेज चाहिए, तो आप ये वीडियो जरूर देखोगे। और अगर आप ओनली टाइम पास के लिए आए हो तो फिर मैं आपसे ये कहूँगी, अपना टाइम वेस्ट कर मत करो, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद देहाती मैम, दिस इज यशोदा एंड आई एम हियर टू टेल यू द वेज टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो दोस्तों, मैंने जो अभी रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पे, ठीक है, तो उसमें बहुत से लोगों कमेंट आया है कि मैम हम भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट हमें पता नहीं कि हम कैसे सीखें, ठीक है। तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए स्पेशली ये वीडियो है, ठीक है। तो ये स्पेशल वीडियो है। और तो अगर आप वो लोग हो जो आप जिन्होंने कमेंट किया था, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देखिएगा, और अगर आपको कुछ मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए कोई भी स्पोकन क्लासेस अफोर्ड करना बहुत इजी होता है, बट कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो विलेज से हैं या जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपके अंदर ये होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपको लो नहीं रखना है, आपका कॉन्फिडेंस हर टाइम पे हमेशा हाई होना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर लेते हो तो सोच लो कि आधी इंग्लिश तो आप ऐसे ही सीख गए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होती है हम लोगों की, हम लोग इंग्लिश तो बोल लेते हैं, ठीक है, हमें ग्रामर भी पता है, हमें ये भी पता है कैसे बात करनी है, बट क्या होता है जब कभी भी हम स्ट्रेंजर्स के सामने बात करने जाते हैं, ठीक है, जैसे लेडीज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हैं, ठीक है, या फिर कई लोग हैं जो इंटरव्यूज फेस करते हैं, तो वो हेजिटेशन फील करते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है। तो सबसे पहले चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो है आपका कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इंग्लिश भाषा बोलकर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आप हिंदी लैंग्वेज बोलकर भी, हिंदी भाषा से भी आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, सबसे पहले आपको उस पर फक्र होना चाहिए कि हाँ, आपके पास एटलीस्ट इतनी नॉलेज है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, मैं फिर से कह रही हूँ। आप कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकते हो? इनिशियली, हम सभी को पता है कि इनिशियली हम किसी को फेस नहीं कर सकते। मेरे अंदर भी था ये चीज़, मैंने क्या किया, मैंने कैमरा का सामना करना शुरू किया। मैंने कैमरा का सामना करना शुरू किया और इस एक्टिविटी ने, जो मैं रिकॉर्ड करती थी अपने आप को कैमरे पे, ठीक है, मैंने वो आई कांटेक्ट बनाना सीखा कि जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो आई कांटेक्ट कैसे बनता है, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है कि आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, आपको कैमरे के सामने बोलना है। अगर आप कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते, आप मोबाइल में
होता है एप्लीकेशन कैमरा, आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके सभी के घर में ठीक है मिरर होते हैं, आप मिरर टॉक की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मिरर टॉक बहुत ही हेल्पफुल होती है। और अगर आप इजी हो ठीक है तो आप अपने आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट है तो आपको मिरर यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब बात आती है कि कोई एक बिगिनर है ठीक है, उस सपोज करो दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के लर्नर होते हैं जो इंग्लिश सीखते हैं। एक होता है पहला कि उसको कुछ नॉलेज है और दूसरा होता है उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो हम पहले बात करेंगे जिसको कुछ नॉलेज है। हम मुझे पता है कि आपको सारी ग्रामर आती है, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, पास्ट सिंपल क्या होता है, ठीक है, सारे टेंसेस के बारे में आपको पता है। अब बात आती है उनको यूज करने की, तो आप कैसे क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखो। बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आप उन वीडियोस को देखो ठीक है, और देखो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। क्योंकि सबसे पहले जब हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ जो होती है वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज जिस पे आपको काम करना है डेली बेसिस पे, वो है आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर शुरुआती दिनों में। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी डेली रूटीन ठीक है, मीन्स सेकेंड चीज जो है आपको डेली रूटीन पे काम करना है, अगर आप अपना डेली रूटीन अच्छे से किसी के सामने बोल सकते हो, अपनी की पास्ट रूटीन आपने कल क्या 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 किया, या फिर अभी अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो मैंने सुबह से अभी तक मीन्स कि 10 मिनट पहले तक क्या क्या किया, वो सारा मेरे पास्ट का है। तो आपकी प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर, क्या फ्यूचर में क्या करोगे, ये आपको याद रखने हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको करना कैसे है, डे रूटीन है तो आप डेली दिन के टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप डेली करते क्या हो। रूटीन का मतलब ये होता है कि जो काम हम डेली करते हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट है, हम उस एक्टिविटी को डेली परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उस चीज़ को हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज करो कि ये सपोज नहीं करना, मीन्स मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप रात को सोने जाते हो ठीक है, उस टाइम पे अपने आप को आप 5 मिनट दो, आपको 5 मिनट से ही शुरुआत करनी है ठीक है। अपने आप को आप 5 मिनट दो, और जब आप सोने जाते हो ना तो आप ये सोचो, सबसे पहले आप हिंदी में सोच सकते हो क्योंकि अभी आप बिगिनर हो तो आप इंग्लिश में तो सोच नहीं सकते। तो आप सोचो कि आपने एक बार पहले आप पूरा देख लो कि आपने क्या क्या किया हिंदी में, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो बोल सकते हो, अगर आप नहीं बोलना चाहते तो एटलीस्ट आपको सोचना है, आपको सोचना है कि आपने रात सुबह से रात तक क्या किया। सोने से पहले तक आप सुबह उठे, यू वॉक अप, अब यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी, क्योंकि जब हम पास्ट एक्टिविटी के बारे में बताते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, आई वॉक अप, आई गॉट फ्रेशन अप, ओके, और आई वेंट टू स्कूल, आई कुक ब्रेकफास्ट, आई डिड ऑल द हाउस वर्क, जो भी आपने किया आपको पास्ट के बारे में वो सारा नरेट करना है। और आपको इसको अपनी रूटीन बना लेना, आपको ये डेली करना है, डेली बेसिस पे करना है। दूसरी एक्टिविटी जो आपको मॉर्निंग में परफॉर्म करनी है, वो सबसे पहले आप जब उठते हो, आप चाहे 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, ये आपके ऊपर, आप कितने बजे उठते हो। उठते ही सबसे पहले आपको बैठना है आराम से बेड पे, जहाँ भी आप सोते हो उसी बेड पे आप उठ के बैठ जाओ। उसके बाद आप भगवान जी को अपना ग्रेटिट्यूड पे करो, मीन्स कि ग्रेटिट्यूड अपना शो करो कि थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, कि हे भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाने के लिए। आपको वो इमेजिनेशन क्रिएट करनी कि आप रियल में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हो, ठीक है, आपको ऐसा खुद को सोचना है कि आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हो। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको ये कहना है कि आई कैन स्पीक, ठीक है, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, और आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, मैं हर रोज मीन्स अपनी इंग्लिश को सुधार रहा हूँ या सुधर रहा हूँ, ठीक है, मेरी इंग्लिश सुधर रही है। उसके बाद आपको
आप फ्यूचर में क्या क्या करोगे, मीन्स कि जब अभी आप उठोगे तो उसके बाद आप क्या क्या करोगे, मीन्स कि उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या क्या करोगे। तो आप क्या करोगे तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर है। फ्यूचर में आप सभी को पता है हम विल यूज करते हैं, लाइक आई विल वेक अप, आई विल गेट फ्रेशन अप, आई विल कुक फूड, ओके, आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल कुक ब्रेकफास्ट, आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, आई विल डू द डिशेज, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल बाय वेजिटेबल्स, आई विल बाय सारी, जो भी आपको करना है नाउ आपको विल से बोलना है। इससे क्या होगा, आपकी जो थोड़ी सी माइंड है ना वो इतना एक्टिव हो जाएगा कि हम फ्यूचर के लिए क्या यूज करते हैं, विल, और पास्ट के लिए हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, सिंपल की बात में कर रही हूँ। उसके बाद हमारा जो है जो हम डेली बेस पे करते हैं वो तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको लिसनिंग करनी है, आपको स्पीकिंग करनी है, आपको राइटिंग करनी है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे बैठे हुए हो, ठीक है, अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैं क्या क्या देख सकती हूँ, मेरे सामने बहुत सी चीजें हैं, ओके, मेरे सामने खेत हैं, पेड़ हैं, मेरी किचन है, ठीक है, मैं जिस पे बैठी हूँ वो फोल्डिंग है, ठीक है, तो मैं इन सारी चीजों के बारे में बात कर सकती हूँ। पर हमें करना क्या है, हमें इंग्लिश में सोचना है, वी हैव टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज अगर आप ये चीज कर लेते हो ना, अगर आप ये चीज इस चीज में माइंड हो जाते हो कि आप हमेशा इंग्लिश में सोचते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है किसी भी कॉन्वर्सेशन में उस एंड पॉइंट तक बने रहना, साथ ही साथ इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों की थिंकिंग क्या होती है, वो हमेशा ट्रांसलेशन करते रहते हैं, तो पता है आप कितना भी ट्रांसलेशन कर लो, आप ये सपना छोड़ दो कि आप कभी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो या फिर आप इंग्लिश बोल भी सकते हो। तो आपको करना क्या है, बैठे हुए हो, जस्ट लाइक मेरे सामने एक बुक पड़ी है, तो मैं इस बुक के बारे में बोल सकती हूँ कि आई गॉट दिस बुक फ्रॉम दैट शॉप एंड द कलर ऑफ दैट बुक इज दिस, वो बुक कैसी है, फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, स्टोरी बुक है, कैसी बुक है, मैगजीन है, उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। और इवन कि आप ये बता सकते हो आपने ये बुक कब खरीदी, व्हेन डिड यू परचेज दैट बुक, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दैट बुक, ओके, विद होम डिड यू गो टू द मार्केट टू परचेज दिस बुक, कि आपने उस किताब को खरीदने के लिए आप किसके साथ मार्केट गए थे, ठीक है, व्हाई डिड यू परचेज दिस बुक, कि आप अगर आपने ये किताब खरीदी है तो आपने क्यों खरीदी है, मीन्स कि हम बहुत सी चीजों पे बात कर सकते हैं, द कलर ऑफ दैट मीन्स जो कवर है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, उसमें कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन ऑन दैट बुक, हम वो सारी बातें कर सकते हैं। ये आप चीजें आपकी हेल्प करेंगी, आपकी जो माइंड है ना उसको वो चीज सोचने के लिए कि हमें इंग्लिश कैसे सोचनी है। सबसे मुश्किल चीज यही होती है, हम जब इंग्लिश में सोचना बंद कर देते हैं, मीन्स कि हम इंग्लिश में सोचना हम शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बट ये एक चीज होती है जो आपके लिए इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप किचन में खाना बना रहे हो, ठीक है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप सब्जी मंडी गए हो, ठीक है, मार्केट गए हो, सब्जियां खरीद रहे हो, तो यू कैन से ना आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, यहाँ भी आपको आप कोई काम कर रहे हो तो जस्ट से कि मैं काम कर रहा हूँ, तो हमें यूज करना, अगर आप कोई आप काम करते हो तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि मैं काम कर रहा हूँ, ओके। हर एक टेंस को हम अपनी लाइफ से रिलेट करके इंग्लिश बोल सकते हैं। बात यहाँ पे ये है जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पता है हमें टेंसेस रटने की जरूरत नहीं है, हमें हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को, हमें हर एक वोकैबुलरी को, हमें हर एक सेंटेंस को मीन्स अपनी लाइफ से रिलेट करने की जरूरत है। हम कोई चीज पढ़ते हो, आप स्टोरी पढ़ते हो, ठीक है, आप वो इमेजिनेशन क्रिएट करो, उसको विजुअलाइज करो कि स्टोरी कैसे हो सकती है, क्या हुआ होगा,
इस टाइम पे, ठीक है, आप वो इमेजिनेशन क्रिएट करो और उसके बाद में आप उस चीज को, उस सिनेरियो को, भले आप वो स्टोरी हिंदी में पढ़ो, आप उसको इंग्लिश में धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हो। और अगर आप ये कुछ चीज़ें कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दूसरी बात आती है कि जिसको कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए मेरा यही है कि सबसे पहले आप वर्ड से, मीन्स थोड़े वर्ड्स को देखो अपने अराउंड, आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ठीक है। और उसके साथ में आजकल यूट्यूब पे डेली यूज की बहुत सी वीडियो है, डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो आप देखो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप हमेशा ट्रांसलेशन करते रहोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो देखो, उसके साथ में आप देखो कि आपके अराउंड ये कौन सी चीजें हैं। आप एक एक वर्ड से स्टार्ट करो, गो, कम, सिट, सिट हियर, कम विद मी, ओपन द डोर, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, डोंट गो, कीप क्वाइट। छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करो, डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियोस देखो, उन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करना करो। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, बाकी चीज़ें जो मैंने उनके लिए बताई हैं कि जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है या उनके लिए हैं, अगर आपको, मैं ये कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती जब बार बार कि आपको ग्रामर पे फोकस करना है, बट दोस्तों ये बात सही है कि अगर आप ग्रामर के साथ साथ, हमें ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना, हमें अपनी स्पीकिंग के फोकस करना है। आप जो भी वीडियो देखते हो उसको देखो, देखने के बाद में, उस वीडियो को देखने के बाद में, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, जितने टाइम आप देखना चाहते हो, देखने के बाद में उस चीज़ को एक्सप्लेन करो, अपने अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करो। जितने वर्ड्स को आप जानते हो, भले वो गलत हो, आपको ये नहीं सोचना स्पीकिंग के टाइम पर कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। आपको बस अपने आप को अलाउ करना है कि भाई मुझे बोलना है। आप एटलीस्ट 15 मिनट दे के देखो, 15 मिनट आप डेली बोल के देखो। अगर आपको चेंजेस ना मिले, फिर आप कभी मेरा चैनल मत देखना, मैं ये कहूँगी। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नहीं पता था, और अभी बहुत कुछ पता है, बट ये नहीं कहूँगी जितना मुझे पता है, ये बहुत है। स्टिल मुझे बहुत सारी चीज़ें समझनी है, पढ़नी है, उनको अपने लाइफ में, डेली लाइफ में उसको इनकलकेट करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है। और मैं बस इस वीडियो को यही एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भी आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और आई होप कि जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलना कहाँ से शुरू करें, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हुई हो। तो आई विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय।